हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाए। हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही हुई। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। झारखंड के गिरिडीह में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है, अगर इसी तरह से घुसपैठ जारी रहा तो 25 से 30 साल में घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। एक बार झारखंड की सत्ता को बदल दीजिए और रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भेजने का काम बीजेपी करेगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।